बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, आज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी, रीड द क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर, MCQs हैं ये। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 42, 51 एंड 63। देखें कौन सा नंबर है जो दोनों तीनों को डिवाइड करें, वो जस्ट 3 आता है। ठीक है, ये और किसी से, ये तीनों जो है वो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, और किसी से 3 के अलावा। तो 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, बी पार्ट देखते हैं। द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज। देखें तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर है ना, तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। क्या होगा? जस्ट 1 होगा। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 81 एंड 45 इज। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मैक्सिमम जो नंबर है, हाइएस्ट जो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, ओके। द कॉमन फैक्टर आप इसे करके देखिएगा, इसके फैक्टर लिखे, इसके भी फैक्टर लिखे, तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वो 9 होगा। ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। जी, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके? तो 26 के मैंने फैक्टर बनाए कौन से? 2 और 13। 78 के जो फैक्टर है वो है 2, 3 एंड 13। तो 2 भी कॉमन है और 13 भी कॉमन है, तो 2 एंड 13 आर द 1 भी है, 1 होता ही है, 1, 2 एंड 13 आर द आर ओनली। ये वाला सर्कल को हम फिल कर देंगे। द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज। जी, यस यस, इसको हम सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने ये किया, डिवीजन मेथड से फैक्टर मालूम करेंगे इसके। ठीक है, देन जो है वो इसका आंसर आएगा जस्ट 5। क्या आंसर आएगा? 5 इसका। इसको अपने सर्कल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। ऐसे आपने करना है, मैंने एक पार्ट आपके लिए किया, बाकी आप कर सकते हैं और आपने खुद करने हैं। ठीक है, देखें 10 के मैंने फैक्टर जो हैं, प्राइम फैक्टर जो हैं वह उन्होंने लिख लिए। ठीक है, सॉरी, मैंने उसके फैक्टर्स लिख लिए हैं, प्राइम फैक्टर नहीं मैं बात कर रहा। राइट द फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10। 18 के मैंने लिख लिए हैं 1, 2, 3, 9 एंड 18। देन क्या करना है? उसने कहा राइट द फैक्टर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। जो जो कॉमन है उनको मैंने सर्कल कर दिया, 1 भी कॉमन है, 2 भी, इनको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने खुद इंशाल्लाह करने हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। जी, ये हमारे पास नंबर्स हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, देखें ज़रा, एक पार्ट मैं करके देता हूँ, बाकी आपने खुद करने। फर्स्ट पार्ट देखें, 32 के हमने फैक्टर्स लिखे 1, 2, 4, 8, 16, 32। 24 के फैक्टर लिखे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं दोनों के। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर जस्ट 8 है। ठीक है, देखें जो कॉमन फैक्टर है ना इनका, वो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 है। ठीक है, ये 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो 8 है। तो 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, समझ आ गई आपको क्वेश्चन नंबर 5 की? ठीक है, तो रिमेनिंग जो पार्ट्स है ना, आपने खुद आपने जो है वो पहले ये एक एक पार्ट जो मैंने किया, इसको अच्छे तरीके से करें, समझें इसे। इसको करने के बाद आपने जो रिमेनिंग इसके बाकी पार्ट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन के और फिफ्थ क्वेश्चन के, ठीक है, वो आपका होमवर्क आपने खुद करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।